भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और समाजवादी आंदोलन के अग्रज नेता चंद्रशेखर की 91वीं जयंती महानगर में सपाइयों द्वारा मनाई गई। गोरखपुर के सपा कार्यालय पर उपस्थित सपा के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, महासचिव जवाहर प्रसाद मौर्या, जिला सचिव जय प्रकाश मौर्य, उपाध्यक्ष मिर्जा करीम बेग, प्रदेश सचिव अभिमन्यु यादव, राम नारायण और सूर्यभान शर्मा सहित अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से आकर स्वर्गीय चंद्रशेखर के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए गए समाजवादी पथ पर चलने की प्रतिज्ञाएं भी ली। श्रद्धांजलि सभा के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी खांटी समाजवादी व्यक्ति थे और उन्होंने आजीवन समाजवाद किया, समाजवाद ओढ़ा, समाजवाद पाना, पूर्वांचल की माटी से और देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक जो सफर उन्होंने तय किया, बहुत ही झंझावात स्थिति में तय किया। और एक शेर उनका याद आता है जब वो इस्तीफा दिए थे कि उन्होंने कहा कि माना कि हम चमन को आबाद न कर सके, कुछ खार तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। तो देश के कम समय में उन्होंने बागडोर देश की संभाली, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय चंद्रशेखर जी ने देश को ठीक रास्ते पर, समाजवाद के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास किया। इसलिए हम आज उनके इस जयंती पर समाजवादी लोग श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं उनके चरणों में और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा जहाँ भी है, वो हमेशा हम लोगों के लिए रहेगी और हम लोग याद करते हैं।